कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत नियंत्रण कंट्रोलिंग अध्याय 14 के अंतर्गत हम जानेंगे कि व्यावसायिक संस्था या उपक्रम में नियंत्रण से क्या आशा है। सामान्य तौर पर नियंत्रण शब्द जो है किसी कार्य पर नियंत्रण रखना, अर्थात जिस स्थान पर या जो कार्य चल रहा है वो कार्य जो है योजना के अनुसार चल रहा अथवा नहीं चल रहा। यदि नहीं चल रहा है तो उसमें कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करें और वो कार्य जो है बेहतर ढंग से अपनी गति को पकड़ सके, इसके लिए जो है नियंत्रण प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो नियंत्रण का जो तात्पर्य उन क्रियाओं या उन उपायों से है जिनके द्वारा कार्य योजना अनुसार चल रहा अथवा नहीं, यदि उनमें कुछ अंतर है तो ऐसे उपाय अपनाए जाएं कि उसे योजना की दिशा में ही मोड़ा जा सके। वास्तव में नियोजन एवं नियंत्रण ये क्या है, जुड़वा। नियोजन जहां भविष्य में झांकता है वहीं नियंत्रण जो है पीछे का अवलोकन करता है। तो नियंत्रण जो है एक ऐसा उपाय है, एक ऐसी क्रिया है जो ये देखता है कि जो कार्य समूह को या व्यक्ति को सौंपा गया है वो कार्य प्रॉपर योजना के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसमें ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से अंतर हैं, तो यहाँ पर हम उचित उपाय को अपनाएं ताकि हम जो कार्य योजना के अनुसार नहीं हो रहा है उसको हम योजना के अनुसार शुरू करा सकें। यहाँ पर जो है नियोजन एवं नियंत्रण की बात करें, नियोजन जो है वो प्रबंध कार्य का पहला कार्य कहलाता है और नियंत्रण जो है वो अंतिम कार्य है। तो नियोजन जहाँ हमें ये बताता है कि भविष्य में हमें क्या करना है, भविष्य में झांकता है, वहीं नियंत्रण जो है पीछे का अवलोकन करता है कि पिछले बार कितना उत्पादन हुआ या पीछे की पोजीशन या स्थिति किस प्रकार थी, अब उसको दूर करने के लिए और हम कितना बेहतर कार्य कर सकते हैं, ये नियंत्रण का कार्य है। तो जहाँ नियोजन भविष्य को ओर देखता है वहीं नियंत्रण जो है पीछे की ओर देख के आगे को बढ़ता है। जार जार टेरी ने कहा है नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम उठाना ताकि निष्पादन योजना के अनुसार होता रहे। तो नियंत्रण का अर्थ जो है वो यहाँ पर ये है कि निष्पादन का मूल्यांकन करना और आवश्यकता पड़ती है तो कुछ ऐसे सुधारात्मक कदम उठाना जिससे जो है निष्पादन हमारा प्रॉपरली योजनाओं के अनुसार होता रहे। इस प्रकार से स्पष्ट नियंत्रण जो है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु कार्यों पर सतत निगरानी रखता है और तथ्यों पर आधारित होता है तथा कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो स्पष्ट है कि नियंत्रण जो है जो हमारे निर्धारित लक्ष्य जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनकी सतत कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना, उन पर सतत निगरानी रखना, जो तथ्य पर आधारित हैं उसको देखना और जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये कहलाता है नियंत्रण। इसके बाद नियंत्रण की प्रकृति या विशेषताएं हम देखेंगे। नियंत्रण जो है जब तक उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है तब तक नियंत्रण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इसका कार्य लगातार चलता रहता है। इसमें कार्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि समय पर सुधार करना संभव हो, तो ये सतत प्रक्रिया है। दूसरा है जो है प्रबंध का ये अंतिम कार्य है। नियंत्रण जो है प्रबंध कार्यों का अनुगमन करता है इसलिए ये प्रारंभिक कार्य न होकर अंतिम कार्य है और सदैव निर्धारित लक्ष्य व योजनाओं के आधार पर ये किया जाता है। तीसरा है भविष्य के कार्य हेतु। भूतकाल के परिणाम के आधार पर नियंत्रण आगे के लिए सुधारात्मक कदम उठाता है, ये भविष्य के कार्यों हेतु होता है, अर्थात यह भूतकाल की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। तो नियंत्रण जो है वो भविष्य के कार्य के हेतु है। भूतकाल के परिणाम क्या रहे, हमारे पिछले वर्ष क्या परिणाम थे, क्या रिजल्ट थे, क्या निष्पादन था, उसके आधार पर जो है हम आगे के लिए सुधारात्मक कदम उठाते हैं, तो ये भविष्य के कार्य के लिए है, अर्थात ये भूतकाल की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता बल्कि उसमें सुधार का प्रयास करता है। सभी स्तरों पर लागू होता है ये नियंत्रण का जो उपयोग है वो केवल श्रमिकों पर कंट्रोलिंग करना नहीं बल्कि प्रबंध के जो सभी स्तर है, जो प्रबंध के तीन स्तर हैं, उच्च स्तर,
मध्य स्तर और तीसरा पर्यवेक्षकी या प्रथम श्रेणी प्रबंधक स्तर जो है, वो तीनों स्तरों पर नियंत्रण की प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है। तो ये श्रमिक पर ही नहीं बल्कि प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू है। फिर नियंत्रण जो है वो हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी कार्य को बीच में ब्रेक करना यदि उचित नहीं हो रहा है, उचित हो रहा है जबरदस्ती उस पर हस्तक्षेप करना नहीं है। तो हस्तक्षेप क्या है, नकारात्मक होता है, जबकि नियंत्रण जो है वो मार्गदर्शन है। यदि किसी कार्य के दौरान किसी कोई परेशानी आ रही है या कार्य किसी उचित प्रकार से नहीं हो रहा, तो बजाय हस्तक्षेप करने के, उसमें नकारात्मक पैदा करने के बजाय उसका मार्गदर्शन करना, ये यहाँ पर नियंत्रण है। ताकि जो बाधाएं आ रही हैं उत्पादन से जुड़ी हुई, बहुत स्वचालित प्रक्रिया है, जब कार्य लक्ष्य से भटक जाता है तो नियंत्रण प्रक्रिया लागू होना अपने आप शुरू हो जाती है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, यदि हम उस लक्ष्य या उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पा रहे, तो यहाँ पर जो है प्रबंध के विभिन्न स्तरों में, सभी स्तरों में नियंत्रण प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो है नियंत्रण की प्रकृति या विशेषताएं हैं। फिर इसके जो चरण हैं, अवस्थाएं जो है नियंत्रण प्रक्रिया के चरण या अवस्थाएं, उपक्रम में नियंत्रण का उद्देश्य योजना व लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। नियंत्रण प्रक्रिया में जो है तीन क्रमिक कदम उठाए जाते हैं। नंबर एक, तो सबसे पहले प्रमाप या मानकों की स्थापना की जाती है। नियंत्रण के अंतर्गत जो है हम एक मापदंड निर्धारित करते हैं जो कहलाते हैं प्रमाप या मानकों की स्थापना। प्रमाप का निर्धारण करना यहाँ नियंत्रण का पहला चरण होता है। वास्तव में प्रमाप वह आधार होते हैं जिनके संदर्भ में वास्तविक प्रगति को मापा जाता है। जैसे यदि एक कंपनी अपने उत्पादन से बाजार के 20% भाग को प्राप्त करना चाहता है और बाजार की अनुमानित बिक्री 10,000 करोड़ रुपए है, तो कंपनी का लक्ष्य 2,000 करोड़ की बिक्री करने का हुआ, तो यहाँ पूर्व से ही हमने प्रमाप या मानक स्थापित कर लिए कि हम बाजार से इतना लक्ष्य जो है हम प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार जो है प्रमाप ही व्यक्ति, समूह एवं विभागों को बताते हैं कि लक्ष्य क्या है। इन प्रमाप के आधार पर ही प्रबंधक वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करते हैं एवं विचलन प्राप्त करते हैं। प्रमाप में जो है संख्यात्मक प्रमाप को हम आंकड़ों में मापते हैं और गुणात्मक प्रमाप को जो है गुणवत्ता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये दोनों रूप में, संख्यात्मक प्रमाप के रूप में भी प्रमाप मानक स्थापित किया जाते हैं, वहीं गुणात्मक प्रमाप के रूप में भी गुणवत्ता के आधार पर प्रमाप यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये पहला है प्रमाप या मानकों की स्थापना। तो पहला बिंदु जो हमने देखा था कि प्रमाप या मानकों की स्थापना करना, वहीं दूसरा बिंदु जो है वास्तविक प्रगति का मापन। पहले हमने जो प्रमाप या मानक स्थापित किए थे, अब दूसरा बिंदु जो आता है कि जो वास्तव में प्रगति का मापन जो हमें प्राप्त हुआ। तो नियंत्रण प्रक्रिया का जो दूसरा चरण वास्तविक प्रगति का मापन है, इसका मापन पूर्व निर्धारित प्रमाप के आधार पर किया जाता है। अर्थात पूर्व में जो हमने मानक स्थापित किए थे उसके आधार पर हम यहाँ तुलना करेंगे कि वास्तविक प्रगति क्या है। इसमें प्रबंधक ये निर्धारित कर पाते हैं कि कार्य निर्धारित प्रमाप के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जो पूर्व में हमने प्रमाप निर्धारित किए थे, वास्तविक रूप से वो प्रमाप हमारे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए अथवा नहीं हुए। ये मापन कार्य चलते समय एवं कार्य पूरा होने पर दोनों समय किया जाता है। जब कार्य चल रहा होता है तब उसमें होने वाली कमी को तुरंत सुधारा जा सकता है। वास्तविक प्रगति के जो मापन है, ये पूर्व निर्धारित मापन के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्तविक प्रगति हमारी क्या है। ये दोनों स्थितियों में किया जाता है, जब कार्य चल रहा है और दूसरा जबकि कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर यदि कार्य चल रहा है उस समय हमें प्रमाप जो है निर्धारित प्रमाप के अनुसार जो है वास्तविक प्रगति प्राप्त नहीं हो रही है, तब हम उसमें यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो दो प्रकार से वास्तविक प्रगति का मापन करने कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, तकनीकी कार्य। ये ऐसे कार्य हैं जो कि आकार, मात्रा, रंग, किस्म, प्रति इकाई, मशीन या घंटे या मानव घंटे के आधार पर हम यहाँ पर मापा जा सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में उत्पादन हो रहा है, जो प्रमाप से पूर्व में निर्धारित था, वर्तमान में कितना है,
किस आकार का, किस प्रकार से रंग, किस में यदि कोई डिफरेंस है, प्रति इकाई उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, मशीन घंटे कितने काम कर रही है, मानव घंटे कितने समय में उत्पादन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम तुलना देखते हैं। फिर दूसरा जो है कम तकनीकी कार्य। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि तकनीकी कार्यों की भांति परिणात्मक मापन करना इनका संभव नहीं होता, जैसे कार्यालयीन कार्य हो गए। कार्यालय में जो स्टाफ कार्य करता है उसका हम पूर्ण रूप से मापन नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत जो वित्तीय प्रबंधक के कार्य, जनसंपर्क अधिकारी के कार्य आदि हैं, यहाँ मापन जो है करते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कार्य प्रगति के आंकड़े शुद्ध हों और आंकड़े नियमित रूप से तैयार हों व निष्पक्ष रूप से मापन हो। तो दूसरा बिंदु जो है यहाँ पर हम देखते हैं वास्तविक प्रगति का मापन। अब यहाँ हम तुलना करते हैं तीसरे बिंदु के अंतर्गत, जिसमें हमने प्रमाप और मानकों की स्थापना की थी। दूसरा जो है वास्तविक प्रगति जो हमें प्राप्त हुई। अब यहाँ पर वास्तविक प्रगति के प्रमापों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। नियंत्रण के इस चरण में वास्तविक प्रगति की निर्धारित प्रमापों से तुलना की जाती है। तुलना पश्चात यदि वास्तविक प्रगति निर्धारित प्रमाप से कम होती है तो ऋणात्मक विचलन है, और यदि वास्तविक प्रगति निर्धारित प्रमाप से अधिक है तो धनात्मक विचलन होता है। ऋणात्मक होने की दशा में कार्य में कमी के कारण उसमें सुधार के उपाय आवश्यक होते हैं, और धनात्मक होने की दशा में यह ज्ञात होता है कि वास्तविक प्रगति जो है किन कारणों से अधिक हुई है और उसमें क्या और सुधार करके भविष्य में कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता। तो ऋणात्मक विचलन यदि है तो हम उसमें देखते हैं कि क्या कमी है, उसके सुधार करने का प्रयास करते हैं। वहीं धनात्मक यदि पॉजिटिव प्राप्त हो रही है तो किन कारणों से वास्तविक प्रगति जो है वर्तमान में अधिक हुई है और उसमें और क्या सुधार करके हम भविष्य में और वर्किंग जो है किस प्रकार से कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ विचलनों के विश्लेषण से ये देखा जाता है कि क्या प्रमाप प्राप्त हो। यदि प्रगति प्रमाप के अनुरूप है तो कार्य पूर्व की भांति जारी रहता है। वहीं कार्यमान तथा वास्तविक प्रगति की तुलना उपरांत दोनों में महत्वपूर्ण अंतर विचलन होता है तो सुधारात्मक कार्यवाही के कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ विचलनों के विश्लेषण के दौरान हम ये देखते हैं कि प्रमाप जो प्राप्त हो रहे हैं वो प्रगति के अनुरूप हैं तो कार्य जो है कंटिन्यू पूर्व की भांति जारी रहता है। वहीं जो है कार्यमान तथा वास्तविक प्रगति की तुलना करने पर हमें यदि महत्वपूर्ण विचलन समझ में आता है तो कौन कौन से उसमें कारण हैं उनके संबंध में हम सुधारात्मक कार्यवाही के कदम उठाते हैं। तो ये तीसरा बिंदु जो है वास्तविक प्रगति के प्रमापों की हम यहाँ पर तुलना करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नियंत्रण का महत्व, व्यवसाय में नियंत्रण का जो महत्व है वो क्या है। नंबर एक, जोखिम में कमी। नियंत्रण के अंतर्गत जो है कार्य प्रगति पर नजर रखी जाती है व लक्ष्य विचलन पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। दूसरा जो है नियोजन का आधार। भूतकाल में नियंत्रण प्रक्रिया में आई कठिनाई के अनुभव के आधार पर प्रबंधक भावी योजनाओं को अधिक समुचित व व्यवहारिक रूप से बनाने हेतु सक्षम हो जाते हैं। तीसरा जो है प्रबंधकीय कमियों में सुधार। नियंत्रण में सभी विभागों के निष्पादन एवं परिणामों को क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अतः जहां भी प्रबंध की कमियां होती हैं वह उजागर हो जाती हैं और उसमें सुधार करना संभव हो जाता है। तो प्रबंध की कमियों में सुधार कहां कहां करना इसकी जानकारी हमें यहां मिलती है। फिर समन्वय में विभागों और उपविभागों के बीच में नियंत्रण के माध्यम से जो है हम कोऑर्डिनेशन कोलेशन बना के रखते हैं। तो समन्वय में सुविधा और प्रगति में सहायक। नियंत्रण के परिणाम स्वरूप जो है उपक्रम के मानवीय भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव होता है। सभी अधिक कार्य कुशलता एवं सावधानी से कार्य करते हैं जिसमें उपक्रम की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है नियंत्रण के महत्व हैं या उसके लाभ। उसके बाद अभ्यास प्रश्न है, नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा दीजिए, नियंत्रण की विशेषताएं लिखिए और नियंत्रण प्रक्रिया के प्रमुख तीन चरणों को समझाइए, और चौथा है नियंत्रण के महत्व या उद्देश्य को समझाइए।